दोस्तों, टारगेट विद कंपटीशन एग्जाम चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। रेलवे भर्ती 2017-18 प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा प्रिपरेशन से रिलेटेड हमारी जो सीरीज चल रही है उसका पार्ट 10 लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। आप हमारे से जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए सब्सक्राइब के आइकॉन को क्लिक करें, बेल आइकॉन को भी क्लिक करें, जिससे आप हमारे से जुड़ सकते हैं। आप हमारी जो सीरीज जो चल रही है उसको हमारे जो चैनल है उसकी प्लेलिस्ट में जाकर पूरी सीरीज रेलवे भर्ती 2017-18 की भी देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। का जो वीडियो है वो सामान्य ज्ञान से रिलेटेड है, सामान्य विज्ञान से रिलेटेड है, और इसमें जो RRB एग्ज़ाम्स में साइंस के कुछ फैक्ट्स के ऊपर जो क्वेश्चन आते हैं वो हम इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। तो बड़े ध्यान से देखें इस वीडियो को। जीव जंतु मानव विज्ञान से संबंधित प्रमुख जानकारियां जो कि RRB एग्ज़ाम्स में पूछी जाती हैं। सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है? ओ। सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? ए बी। जो यूनिवर्सल डोनर ओ जो है वो सभी ब्लड ग्रुप्स को दे सकता है, जबकि ए बी सभी का लिख सकता है। RH फैक्टर जो रिलेटेड टर्म है वो किससे संबंधित है? वो रक्त से रिलेटेड है। पूछा जाता है RH फैक्टर के खोजकर्ता कौन है? तो लैंड स्टीनर एंड वीनर इसके खोजकर्ता है। रक्त को कौन सा ह्यूमन का भाग जो है वो शुद्ध करता है? तो किडनी वो भाग है जो कि ब्लड को शुद्ध करता है। किडनी का जो भार होता है या वक्र का जो भार होता है वो कितना होता है? तो 150 ग्राम भार होता है। रक्त एक विलयन है, कैसा है? बेसिक। रक्त का pH मान कितना होता है? तो 7.4, जबकि अम्लीय जो प्रवृत्ति में होगा वो 7 से नीचे होता है, उदासीन 7 पर होता है। हृदय की धड़कन का नियंत्रण कौन है? तो पेसमेकर के द्वारा हृदय की जो धड़कन है वो नियंत्रित की जाती है। शरीर से हृदय की ओर जाने वाली रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी कहलाती है, क्या कहलाती है? वो शिरा कहलाती है। हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी कहलाती है धमनी। शरीर से हृदय वाली शिरा कहलाएगी और हृदय से शरीर में ले जाने वाली ब्लड वेसल्स धमनी कहलाएगी। जरावित सेवन क्या है? ये एक आर्टिफिशियल हृदय है। शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? तो ब्लड द्वारा बॉडी में ऑक्सीजन का परिवहन होता है। सबसे छोटी अस्थि या सबसे छोटी हड्डी पूछा जाता है एग्जाम्स में, तो स्टेपीज है, ये कान में पाई जाती है। सबसे बड़ी अस्थि या सबसे बड़ी बोन कौन सी है? तो फीमर या जांग की होती है। सबसे लंबी पेशी कौन सी होती है? तो होती है सर्टोरियाज। सबसे बड़ी अगर ग्लैंड पूछा जाए तो सबसे हमारे शरीर में सबसे बड़ी ग्लैंड कौन सी है? तो वो है लिवर या यकृत। सर्वाधिक पुनरुद्भवन की क्षमता किसमें होती है? यकृत में। अगर यकृत थोड़ा सा भाई डैमेज हो जाए तो वो दोबारा से अपने आप को संगठित कर सकता है। सबसे कम पुनरुद्भवन की क्षमता किसमें कम होती है? तो वो होती है मस्तिष्क में। अगर मस्तिष्क का किसी भाग में कोई दिक्कत हो जाए तो बड़ी मुश्किल से ही वो डेवलप कर सकता है। शरीर का सबसे कठोर भाग कौन सा आता है? दांत का इनेमल। सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन सी होती है? वो होती है पैरोटोइड ग्लैंड। सबसे छोटी WBC कौन सी होती है? वो होती है लिम्फोसाइड, व्हाइट ब्लड कार्पलरीज कहते हैं WBCs को। सबसे बड़ी WBC कौन सी होती है? वो होती है मोनोसाइट। सबसे बड़ी शिरा कौन सी होती है? वो होती है इन्फीरियर। RBCs का जीवन काल कितना होता है? वो होता है 120 दिन। लाल रुधिर कणिकाएं या रेड ब्लड कार्पलरीज इनका जीवन काल 120 दिन होता है। रुधिर का थक्का बनाने में कितना समय लगता है? 2 से 5 दिन। ये हीमोग्लोबिन की हेल्प से ही बनता है। आनुवंशिकी के पिता कौन थे? ग्रेगर जॉन मेंडल। इन्हें कि इन्होंने मटर के पौधे पर अपना अनुसंधान किया। हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार जीन में DNA से संबंधित खोज करने के लिए मिला। इन्होंने जीन का संश्लेषण किया। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है, इसमें प्रोटीन सिंथेसिस की क्रिया संपन्न होती है। मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46, जिसमें 23 जोड़े होते हैं, जिसमें 22 ऑटोसोम्स और एक सेक्स क्रोमोसोम्स, यानी जिससे कि मेल और फीमेल होने की संभावना बनती है। चेचक के टीके की खोज किसने की? तो चेचक के टीके की खोज की एडवर्ड जेनर ने। स्वस्थ मनुष्य के शरीर के रक्त का pH का मान कितना होता है? तो वो होता है 7.4, बेसिक टाइप का होता है। लाल रुधिर कणिकाएं RBC का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। कोशिका की खोज अंग्रेज वैज्ञानिक
रॉबर्ट हुक ने 1664 में की। नवजात बच्चों की शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? 300 हड्डियां होती हैं, और जबकि मानव जब एडल्ट हो जाता है तो उसकी हड्डियों की संख्या 206 रह जाती है। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो वह है फीमर या जांघ की हड्डी। मनुष्य की सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज जो कान में होती है। मनुष्य की छाती में दोनों तरफ कितनी पसलियाँ होती हैं? तो 12 12 पसलियाँ होती हैं। आरबीसी या लाल रुधिर कणिकाओं का जो कब्रगाह लिवर और पीला को कहा जाता है। रक्त का थक्का बनने में किस विटामिन की जरूरत होती है? तो विटामिन के की। रक्त समूह और आरएच फैक्टर की खोज किसने की? तो वैज्ञानिक कॉर्ल लैंड स्टीनर ने इसकी खोज की। ए बी रक्त समूह में एंटीबॉडी नहीं पाई जाती, इसलिए यह सर्वग्राही होता है। ओ रक्त समूह में कोई एंटीजन नहीं पाया जाता, इसीलिए यह यूनिवर्सल डोनर होता है। मनुष्य के हृदय का भार लगभग होता है 300 ग्राम होता है। स्वस्थ मनुष्य के हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? 72 बार धड़कता है। स्वस्थ मनुष्य का जो ब्लड प्रेशर या रक्तदाब होता है वो कितना होता है? 120 mmHg। यूरोक्रोम की उपस्थिति के कारण मूत्र का रंग हल्का पीला होता है। एलिसा परीक्षण किसके लिए होता है? एड्स और एचआईवी वायरस का पता लगाने के लिए। टिटनेस शरीर के तंत्रिका तंत्र में प्रवाहित होता है। स्वस्थ मनुष्य के शरीर का रक्त कितना होता है? लगभग 5 से 6 लीटर औसत। मनुष्य के रक्त का शुद्धिकरण किससे होता है? किडनी से या गुर्दे से। मनुष्य शरीर के सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? पिट्यूटरी ग्रंथि, जो कि मस्तिष्क में होती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? ग्लैंड कौन सी होती है? लिवर। इंसुलिन की खोज बेंटिंग और वेस्ट ने की, जो कि एक हार्मोन है। वस्तु का प्रतिबिंब आंखों के रेटिना पर कहाँ बनता है? रेटिना पर। नेत्र में आंख में कॉर्निया को दान किया जा सकता है। त्वचा का कैंसर सूर्य की परावैगनी किरणों से होता है। किडनी में बोमल कैप्सूल पाया जाता है। सिरोसिस बीमारी किसको प्रभावित करती है? लिवर को। एल्बुमिन रक्त प्रोटीन के बीच प्लाज्मा में पानी की मात्रा को नियंत्रित करता है। एपिकेफ्रीन हार्मोन हृदय की समस्याओं इलाज के लिए एक दवा के रूप में इस्तेमाल होता है। एक 2 साल के बच्चे की आहार में अधिक प्रोटीन शामिल करना चाहिए। पचा हुआ भोजन ज़्यादातर छोटी आंत के माध्यम से एब्जॉर्ब होता है। कैल्शियम और फास्फोरस हड्डियाँ सबसे व्यापक रूप से मिलने वाला खनिज है। हड्डियों में मिलने वाला सबसे ज़्यादा कैल्शियम और फास्फोरस ही पाया जाता है। हमारे शरीर में अग्नाशय या पेंक्रिया जो है वो पाचन तंत्र का एक हिस्सा है, और कहीं ना कहीं डायबिटीज के लिए यही उत्तरदायी होता है, जब हार्मोन इंसुलिन का कम स्रावण होता है। तो रक्त अल्पता आमतौर पर शर्करा के कारण होता है। रक्त में लौह तत्व पाया जाता है Fe। टाइफाइड किस अंग को प्रभावित करता है? आंत को। नमकीन क्षेत्र में होने वाली वनस्पतियों को क्या कहते हैं? हेलोफाइट। पारिस्थितिक तंत्र में खाद्य श्रृंखला के सही अनुक्रम पादप क्या है? शाकाहारी, मांसाहारी, अपघटक। पौधों को पत्ती किस भाग से श्वसन करता है? पौधों की पत्ती से, यानी कि लीव से। केला नारियल एक बीजपत्री फल है। सिंकोना पौधे के तने की छाल से कुनेन नामक दवाई प्राप्त की जाती है। बीज के अंकुरण में महत्वपूर्ण कारणों में प्रमुखतः हवा और नमी एवं उपयुक्त ताप होते हैं। सूर्य का प्रकाश डार्क रिएक्शन के कारण होता है। ईस्ट और मशरूम एक तरह की फंजाई हैं। कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को कहते हैं एंटोमोलॉजी। फल विज्ञान को कहते हैं पोमोलॉजी। पुष्प विज्ञान को कहते हैं फ्लोरिकल्चर। सब्जी विज्ञान को कहते हैं ओलेरिकल्चर। आँख का विभाग जो वर्णक हाल होता है, जो किसी व्यक्ति के आँखों का रंग निश्चित करता है, उसे क्या कहते हैं? आयरिस भाग। अमोनिया को नाइट्रेट में बदलने की जो प्रक्रिया होती है वो होती है नाइट्रोसोमोनास। जीवाणु एक अहम भूमिका निभाता है। पतंगा बारूदी सुरंग का पता लगाने के लिए करते हैं। एंजोला नील हरित शैवाल एल्फा जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होते हैं। गिरगिट एक आंख से आगे की ओर और उसी आंख से
पीछे की ओर भी देख सकता है। कृषि की वह शाखा जो पालतू पशुओं के चारे के लिए अमोनिया को नाइट्रेट में बदलने की क्रिया नाइट्रोसोमोनास की भूमिका निभाता है। जीनोम चित्रण का संबंध जीन्स के चित्रण से है। तो फ्रेंड्स, ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आरआरबी एग्जाम्स में साइंस से रिलेटेड आ सकते हैं, फैक्ट हैं, और आगे भी हम इसी तरह के जो अपनी सीरीज है वो जारी रखेंगे। अगले वीडियो के साथ एक बार फिर मुलाकात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।